हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सीबीएसई से जुड़ी एक और नई सूचना, जिसमें सीबीएसई ने कहा है कि इस स्थिति में सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं के छात्रों को नहीं मिलेगा बोर्ड परीक्षा में बैठने का मौका। यदि स्कूल बोर्ड द्वारा मान्य विषयों के अलावा अन्य विषय में छात्रों को प्रायोजित करता है तो सीबीएसई उम्मीदवारों को कक्षा 10वीं और 12वीं में उन विषयों परीक्षाओं में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देगा और ऐसे छात्रों को अयोग्य माना जाएगा। ऐसे छात्रों को अयोग्य सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूल और साथ ही 10वीं और 12वीं के छात्रों को बोर्ड परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित करने और उनसे संबंध स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। यह सूचना कई स्कूलों और छात्रों के लिए परेशानी की बात हो सकती है। बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कक्षा 11वीं और 12 और कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए स्कूलों की तरफ से छात्रों को केवल उन्हीं विषयों को ऑफर करने की इजाज़त है जिन्हें बोर्ड में अनुमति दी जाएगी। यदि स्कूल बोर्ड द्वारा मान्य विषयों के अलावा अन्य विषय के छात्र को प्रायोजित करता है तो सीबीएसई उम्मीदवारों को कक्षा 10 और 12 में उन विषयों में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देगा और ऐसे छात्रों को अयोग्य माना जाएगा। इसके साथ ही बोर्ड संबंधित स्कूल के खिलाफ भी डिसएफिलिएशन की कार्रवाई करेगा। इसका अर्थ है कि बोर्ड ऐसे स्कूलों का एफिलिएशन भी रद्द कर सकता है। बोर्ड ने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेज के लिए करिकुलम के अनुसार पढ़ाई की स्कीम वेबसाइट पर जारी की है, जिसका लिंक यहां आपको दिया गया है। स्कूल के केवल इस करिकुलम में दिए गए विषयों को ही छात्रों को ऑफर करने की इजाज़त है। बोर्ड ने वैलिड और इनवैलिड सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन की सूची निर्धारित की है। स्कूल को सीबीएसई द्वारा की जारी निर्देशों को ही फॉलो करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपको सीबीएसई से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।